तो स्वागत है एक नए वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? एंजॉय कर रहे हैं मेरे वीडियोस, मेरी ट्रेवल जर्नी, मेरे होटल की जर्नी, मेरे एयरपोर्ट की जर्नी। तो आज एक और जर्नी पे जा रहे हैं। आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली या नोएडा से देहरादून। पिछली बार भी मैं देहरादून गया था, बट पिछली बार मैं देहरादून गया था मेरठ होते हुए। इस बार शायद डायरेक्ट जाएंगे, तो ओवरऑल आपको बताएंगे कितना टाइम लगेगा। अभी तो ट्रैफिक वाला टाइम हो गया है यहाँ से, देखते हैं कितना ट्रैफिक मिलता है। जुड़े रहिए, मजा आएगी पूरे व्लॉग में, पूरा देखना आप। तो आ गए हैं पेट्रोल पंप के पास और ये है दिल्ली मेरठ हाईवे। जरा आपको वेट कर रहे हैं हम अपने एक दोस्त का। ये रही अपनी गाड़ी और ये रहा सामने मेरठ वाला रास्ता जो आपको दिख रहा है, और ये सामने एवीएस वाले। क्या आ गए हैं हमारे दोस्त मिस्टर विनय, काफ़ी टाइम लगाते हैं आने में, चश्मा लगा के आए, एकदम हीरो बने हुए हैं। मैंने ये भी दे दिया था यार ड्राई फ्रूट्स, और इस बार मुझे एक चीज़ और दी, दिखाता हूँ। ये भैया शेक बना के उसने इस बॉटल में दे दिया, ये लॉट से खरीदी थी हमने 80 रुपए की। भाई टोल क्रॉस कर लिया हमने पहला, और गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है यार। जब घर से निकला था थोड़ी हवा हवा चल रही थी। ये रहा अपना मेरठ हरिद्वार वाला एक्सप्रेसवे, लेफ्ट हैंड साइड पे मोदी नगर और सीधे मेरठ। 45 मिनट में पहुंचे हम, बहुत बढ़िया हाईवे बनाए हैं। थैंक यू फॉर विजिट अगेन। और आप अगर गाड़ी से नहीं आ सकते तो सरकार ने यहाँ पे रेलवे भी बनाई है। ये मेट्रो है, लोकल मेट्रो नहीं, इसको रेलवे बोलते हैं। पर पुल देख रहे हो यहाँ से जाएगी, अभी कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है और हम लोग आगे से यू टर्न लेके उधर पहुँच जाएंगे सीधे। फाइनली हाईवे से उतर के हम लोग आ गए हैं ये ढाबे पे। इस ढाबे का नाम है शिवा टूरिस्ट ढाबा। अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या खाना है। कुल्फी भी लगी है यहाँ पे। इधर आके बैठ गए, एसी में गर्मी लग रही थी। ये सिटिंग इनकी है, हालांकि खाली पड़ा है पूरा। मेन्यू ये है इनका, पराठा 125 रुपए का है, गोलगप्पा काफ़ी कुछ है देख लेना भैया। लंच डिनर दाल मखनी 240, शेक भी है गर्मी में, थाली भी है छोटी। और ब्रांच इनके अच्छे कहाँ कहाँ है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापोड़, हर जगह। पूजा ने पनीर बनाई थी, पालक पनीर और पूड़ी, तो मैं तो भाई वही खाऊंगा, बाकी इन लोगों के लिए पराठे आ गए। ये साइज है पराठा, मक्खन भी है। ये क्या भैया, आंवला है क्या? ये आंवले का अचार, नींबू और ये मिक्स वाला। चाय भी आ गई कुल्लड़ वाली, बहुत बढ़िया। लाओ ला गया, हमने 3 चाय ली थी 25 रुपए की और 2 पराठे लिए थे, ठीक है 399। खाना खा लिया और सामने भाई IGL का भी CNG पंप है, ये ध्यान रखिएगा। सामने आप ड्राइवर से बोल दो गाड़ी में CNG भरवाए और तब तक आप यहाँ खाना खा लो। तो अपना ऑर्डर लगा रखा है भाई। मुजफ्फरनगर टोल क्रॉस किया, टोल पे बड़ी मस्त बात लिखी थी, मैं आपको बताता हूँ। मुझे लगता है यहाँ पर लोगों ने ना फर्जी पहचान पत्र बनाए होंगे टोल ना देने के कारण। तो वहाँ लिखा है भैया फर्जी पहचान पत्र लगाने वालों पर पुलिस कार्रवाई करने की। पहली बार देखा, हालांकि फास्टैग चल रहा है। तो हम ये वाले रूट से जा रहे हैं आज, देवबंद वाला नहीं लिया है, सीधे ऋषिकेश, द्वार और रुड़की। अंदर से नहीं जाएंगे ऑफकोर्स, हाईवे से बार बार से जाएंगे भाई। हरिद्वार की एंट्री होने वाली है, क्या बात है। हरिद्वार कुंभ सिटी वेलकम तो दिखा रहा है बोर्ड, 40 किलोमीटर है यहाँ से। सही सही रास्ते में रोक ले इन्होंने, संयुक्त जांच चौकी ये रहा, क्योंकि चार धाम यात्रा चालू हो गई तो सारा डेटा यहाँ लिखवाते हैं। ये देखो लिखवा रहे हैं गाड़ी का नंबर है वो सब। भैया रुड़की गंगा जी आ गई बाहर, बाहर वाले बाईपास पे। ये रुड़की सीधे का रास्ता है और देहरादून इधर लेफ्ट चढ़ गए, और यहाँ से देहरादून 75 है। और ये रहा और टोल आ गया लास्ट वाला, हाईवे से राइट ले लेंगे। तो इंटर कर ही रहे हम लोग, ये पुल इतने सालों से बन रहा है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। ये देखो जंगलों के बीच टाइम बहुत लगेगा भाई, पिलर ही बन रहे हैं कहीं कहीं तो, बहुत टाइम लगेगा भाई। सूखा पड़ा, मानसून आएगा तो भरेगा पानी यहाँ,
से बन रहा है। उनसे बात भी हुई थी प्रॉपरली, बन गई बगल वाली लेकिन चालू नहीं हुई है। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो चालू हो जाएगी। फाइनली पहुंच गए भैया उत्तराखंड देहरादून। अजी भाई तो फाइनली पहुंच गए हम लोग देहरादून। टोटल जो टाइम लगा हुआ मैं आपको बता दूं, लगभग 4 घंटे लगते हैं, और जो गडकरी जी बोल रहे हैं 2 घंटे, वो वाला भी हाईवे या पुल पूरा बना नहीं है, जब बन जाएगा तब शायद लगेगा। और 4.5 घंटे भी लग सकते हैं अगर आप बीच में रुकते हो, जैसे हम लोग रुके थे खाने के लिए नाश्ते के लिए, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं रुके, इतने एवरेज लगता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, बाय।